नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने खास YouTube चैनल में। और मैं हूँ आपके साथ आचार्य सपना श्री, आपकी दोस्त, आपकी गुरु, आपकी गाइड। बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को मेरा नमस्कार। नवरात्रों का जैसे कि हम जानते ही हैं, आज 8वां दिन है महागौरी का। महागौरी माँ पार्वती का बहुत ही सुंदर स्वरूप। दोस्तों हम अक्सर ना बहुत मेहनत करते हैं, किसी कंपनी में जब काम करते हैं, किसी भी कार्य में हम होते हैं, आजकल कितना कंपटीशन देखने को मिलता है। और कई लोगों को तो एक जद्दोजहद होती है नेम और फेम की, कि हमारा नाम हो, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, हमारे हमारे काम की पहचान हो। अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी रह जाती है तो उस कमी पेशी को पूरा करती है महागौरी। महागौरी दोस्तों हमारे को नेम और फेम में बहुत अच्छा अपना आशीर्वाद देती है। इनको प्रसन्न करना बहुत आसान है। आज के दिन आप लोगों ने क्या करना है, खीर बनाइए। खीर में डालिए खूब सारे बादाम, मावा, जो आप डाल सकते हैं उसमें खूब सारा ड्राई फ्रूट डाल के अपने पूरे परिवार के साथ शाम की आरती करने के बाद माँ के चरणों में आप उसको रख दीजिए। और उसके ऊपर दोस्तों एक फॉइल पेपर कर दीजिए, उसको खुला मत छोड़िए, ना तो स्टील की प्लेट लगाइए ना कांच की प्लेट लगाइए। फॉइल पेपर से उसको पूरा ढक के कांच के कटोरे में उस खीर को डाल के आपने उसको अपने मंदिर में रख देना है। शाम की आरती सबने साथ करनी है। डिनर के बाद आप इसको खाइए। इस खीर के अंदर अपनी विश को डालिए और उसके बाद आप इसको ग्रहण करिए। कोशिश करिए जो इस खीर को बना रहा है, जो भी स्त्री बना रही है, वो अपने हस्बैंड के लिए उस विश को मांगते हुए उसमें करछी घुमाएं। उनकी इंटेंशन जो है ना, जितनी देर वो बनेगी ना, उतनी देर अगर अपनी इंटेंशन आप उसमें डाल देंगे और उसके बाद आप उसको खाएंगे तो आप देखेंगे कितना अच्छा इसका जो है बेनिफिट देखने को मिलता है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। ये आप वैसे भी किसी भी शुक्रवार के शुक्रवार भी कर सकते हैं। किसी भी थोड़ी सी खीर बनाइए, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अपनी इंटेंशन डालने के लिए जब वो जो भी इंसान उसको बना रहा है उसमें अपनी विश को डाल के उसको घुमाता रहे। या फिर अगर ये भी नहीं करना तो रात का जो दूध होता है उसमें थोड़ा सा केसर बादाम सब डाल के उसको थोड़ा थोड़ा जब हिलाएंगे, हिलाते हिलाते अपनी विश को मांगेंगे, उसमें बोलेंगे, क्योंकि लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में बहुत पावर होती है किसी भी एनर्जी को खींच लेने की। बहुत जल्दी आपकी यहाँ की इंटेंशन वहाँ चली जाएगी और उसके बाद वो सीधा कॉस्मोस में जाके फलीभूत हो जाती है। इतने बड़े साइंटिफिकली चीज़ों में आप लोग ना पढ़ के जो मैं आपको कह रही हूँ, विश्वास के साथ आप उस चीज़ को करिए और आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे। कॉमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों किस्मत का द्वार अपने द्वार को ज़रूर मंगवाइए। ये मैं नवरात्रों में तैयार कर रही हूँ और इन्हीं नवरात्रों में आप लोग इसको मंगवाइए। इसके अंदर अभी जो मैं दो चीज़ें डालूंगी, एक पोटली डालूंगी आपकी विश फुलफिल करने के लिए, उस पोटली के अंदर ताकत है आपकी कोई भी विश को फुलफिल करने की, पर हाँ आपकी जो विश है वो मान्य होनी चाहिए, ठीक है। साथ में मैं दूंगी आपको एक कुबेर कुंजी। जी हाँ दोस्तों, आप इसको मंगवा सकते हैं। और कुछ लोगों ने मंगवाया, अपना विश्वास दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी भी मैंने इस तरीके का कोई आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ तैयार नहीं करी है। इस बार पहली बार मैं नवरात्रों में भी आपसे रूबरू हूँ, क्योंकि ज़्यादातर समय मेरा जो है साधना में जाता है, अपने पर्सनल कार्यों में देती हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन इस बार सोचा कि इतना सब हासिल करने के बाद अपने दोस्तों तक, अपने प्रियजनों तक वो चीज़ पहुँचानी ज़रूरी है। तो दोस्तों जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। बनिए रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छी अच्छी नई नई वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगी सरल से सरल आप लोगों को उपाय दूं। मेरी पूरी कोशिश यह रहेगी जो कि आप खुद कर सके। परेशानी आपकी तो मेहनत भी आपकी होनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगी। नमस्कार।